शहर के डुमरायल स्थित एक घर से जन्मदिन मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुमन बबुआन का जन्मदिन था, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले एक वर्ष से कई आपराधिक मामलों में पुलिस उसे तलाश कर रही है। डुमरायल में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के पास ही शशि यादव के मकान में जन्मदिन पार्टी की सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर ही 3 डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बलों ने उस मकान को चारों ओर से घेर लिया और अंदर प्रवेश करने चारों ओर भगदड़ मच गई। जबकि जन्मदिन पार्टी को लेकर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा तीनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए बदमाश और असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहा। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी की स्थिति मची रही। दर्जनों बदमाश हथियार लेकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए, जिसमें सुमन बबुआन भी शामिल है। सुमन बबुआन का ननिहाल डुमरायल ही है। पुलिस ने देखा कि पार्टी स्थल पर मांस और चावल की जमकर पार्टी हो रही है। कई लोग नशे की हालत में थे। पुलिस ने वहां से विदेशी शराब और हथियार भी बरामद किए, लेकिन पुलिस पूछने पर इससे इनकार कर रही है। पुलिस ने इस मामले में करीब एक दर्जन बदमाशों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ की है। वहीं दर्जनों युवाओं को पूछताछ और जांच के बाद छोड़ने का सिलसिला जारी है। छापेमारी में सदर SDPO संतोष कुमार, प्रशिक्षु DSP निशिकांत भारती, DSP मुख्यालय सहित सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद सहित सदर थाने के पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल है। कई वर्षों से फरार सुमन बबुआन करके जो अपराधकर्मी है, वो कैलाशपुरी में एक मास्टर के अर्धनिर्मित मकान में आया हुआ है। वहाँ उसके साथी भी हैं और वो कुछ अपराध करने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु DSP निशिकांत भारती के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें SDPO सदर और सदर थाना के थानाध्यक्ष और जिला सूचना इकाई के मेम्बर्स थे। वहाँ पर सुमन बबुआन तो पुलिस को देख करके फरार होने में सफल रहा, लेकिन उसके 6 साथी वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन सबके ऊपर आपराधिक इतिहास है। उनके पास से 4 देसी कट्टा और 6 गोलियाँ बरामद हुई हैं और साथ में एक मोटरसाइकिल, जिसका भी सत्यापन किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल क्या किसी पूर्व में किसी अपराध को करने के लिए योजना इन्होंने उसको यूज़ किया था या नहीं किया था। कुल मिलाकर के ये काफ़ी बड़ी सफलता है, क्योंकि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे और सुमन बबुआन को गिरफ्तार करने की कवायद हम लोगों के द्वारा तेज की गई है। मैम, ये अंतर जिला गिरोह है कि सिर्फ सहरसा में कहाँ क्राइम है? नहीं, जो उसमें एक व्यक्ति जो पकड़ाया है वो राघोपुर का रहने वाला है और इसमें सहरसा जिला के भी कई जो थाने हैं, जिसमें सलकुआ, बख्तियारपुर, सब जगह इन लोगों पे केस भी दर्ज है और ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये अंतर जिला बोलेंगे यहाँ काम करता था। सुमन बबुआन के ऊपर काफ़ी केसेस हैं पहले से। किस तरह के अपराधी इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह के केसेस, आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट, 307 जैसे जो धाराएं हैं उन पे पूर्व में इन लोगों पे केस दर्ज किए गए हैं। सहरसा बिहार से गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मंझौलिया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव से एक शराबी को हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिससे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जेल भेज दिया गया, जिसकी जानकारी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने देते हुए बताया कि उसके विरुद्ध थाना कांड संख्या 624/21 बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के अभियुक्त प्रवेश ठाकुर साठी थाना क्षेत्र का निवासी है, जो अपने मामा के घर संध्या को पहुंचा था, जहां पर हंगामा कर रहा था और आरोपी के मामा के आवेदन पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। करीब संध्या 18 बजे दूरभाष पर मैनेजर ठाकुर, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ ठाकुर, सांसद हरपुर वार्ड नंबर 17 थाना मझौलिया जिला पश्चिम चंपारण के द्वारा सरकारी मोबाइल नंबर पर सूचित किया गया कि इनका भगिना वीरेंद्र ठाकुर, नहीं प्रवेश ठाकुर, पिता वीरेंद्र ठाकुर, साथी भगवा वार्ड नंबर 5 थाना साठी जिला पश्चिम चंपारण, इनके घर पर नशे की हालत में आए हैं और काफ़ी उपद्रव कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किए तथा एक लिखित आवेदन भी तैयार कर रखे थे, जिसके आलोक में सहानी सुधांशु प्रसाद सिंह को भेजा गया तथा उन्हें गिरफ्तार कर वहां से लाया गया तथा इनका नशे का जांच कराया, बेतिया भेज कर इनका नशे का जांच कराया गया। तो इनका नशे का जांच 214.7 mg/100 ml पाया गया, जो बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल बेहोश के हालत में थे। इस संदर्भ में मझौलिया थाना कांड संख्या 624/2021 दिनांक 15/11/2021 धारा 37 बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में पंजीकृत किया गया है तथा सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। मझौलिया पश्चिम चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।